अच्छा जब हम पानी में जाएंगे तो ये ऊपर होता रहेगा जी, आपको डूबने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, नहीं देगा डूबने, आप इससे सुरक्षित स्थान निकल सकते हैं पानी में है तो। अच्छा याद रखिए कि आप जब बनाएंगे ये चीजें कब बनेंगी, ये चीजें बरसात से पहले बनती है। आपका घर बिल्कुल निचले इलाके में है, बिल्कुल वैसे जगह पर है जहाँ पर आप बाढ़ के चपेट में आ सकते हो। अगर आपको निकलना है, आपको अपनी जान बचानी है, लगे ऐसा कि हमारा घर डूब सकता है। अच्छा जब हम पानी में जाएंगे तो ये ऊपर होता रहेगा जी, आपको डूबने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, नहीं देगा डूबने, आप इससे सुरक्षित स्थान निकल सकते हैं पानी में है तो। अच्छा अच्छा, इससे जैसे कि इसको हम तैयार कब करेंगे, सपोज कि मेरा घर अगर, मेरा घर अगर किसी बाढ़ वाले एरिया में, फ्लड एरिया में है तो बाढ़ आने से पहले जैसे अभी है नारियल, नारियल हर जगह मिल जाता है हमें, आराम से मिल जाएगा। हाँ इसका यूज नहीं करता है, लोग फेंक देता है लोग। अच्छा माने कि अगर अगर हमको लगता है कि अब मौसम आने वाला है, बरसात का, बाढ़ आ सकता है, वैसे निचले इलाके में घर है तो हम इसको बना, इससे भी हम काम चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए मार्च मई है ना, मार्च अप्रैल है ना, अभी बाढ़ से पहले की तैयारी इसी सब महीने में किया जाता है। अच्छा। इस महीने में आप उस तरह के इसको राफ्ट बोलते हैं, राफ्ट बोलते हैं, राफ्ट बोलते हैं, तीन चार तरह का राफ्ट होता है यहाँ है मेरे पास बोतल वाला। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका भी घर किसी ऐसे इलाके में है जो इलाका बिल्कुल निचला है, जहाँ बाढ़ आता है, जहाँ पर सैलाब आते रहते हैं और आपको डर है कि आप बाढ़ में सैलाब में फंस जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे, तब आप नारियल के इस तरीके के फल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके घर में अगर है थम्स अप, पेप्सी और कोक के इस तरह के बोतल, याद रखिए कि आप जब बनाएंगे ये चीजें कब बनेंगी, ये चीजें बरसात से पहले बनती है। आपका घर बिल्कुल निचले इलाके में है, बिल्कुल वैसे जगह पर है जहां पर आप बाढ़ के चपेट में आ सकते हो। अगर आपको निकलना है, आपको अपनी जान बचानी है, लगे ऐसा कि हमारा घर डूब सकता है, या आपने खबर सुन लिया कि नेपाल ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है और आपके इलाके में पानी आ रहा है, तो आप इस तरीके से भी ठंडा थम्स अप, पेप्सी के जो बोतल्स होते हैं उसको यहाँ से लॉक करिए, हर बोतल को एक दूसरे से मजबूत रस्सियों से बांध दीजिए और जैसे ही यू आप सीने पर लगाएंगे इसको, ख्याल ये रहे कि बोतल का जो मुंडी होगा नीचे की तरफ होगा, बोतल का मुंडी नीचे की तरफ होगा। और इस तरीके से सीतामढ़ी SDRF की टीम जो है वो आज बिहार दिवस पर प्रदर्शनी लगी है और वो आपको बता रही है कि आपको बाढ़ के समय में, जी हाँ हमारा पूरी तरीके से बाढ़ और फ्लड का एरिया है, हर साल जैसे ही बरसात आता है लोग बाढ़ में डूब जाते हैं, कई सारे लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं, धस जाते हैं, आपके निकलना बाहर हो जाता है। ये तमाम उपाय, ये उपाय, ये उपाय और ये उपाय, ये सारे उपाय आपके लिए है, आपके जीवन को बचाने के लिए है। जीवन अनमोल है, एक बार हजारों साल के इस ब्रह्मांड में आपको एक जीवन मिलती है, अगर आप वक्त से पहले सावधान नहीं हुए तो फिर आपको कोई नहीं बचाता। सपोज दैट कि हमारा घर पूरा डूब रहा है, अगर मैं ही बच गया, या अगर हमारा घर डूबा और रास्ते संपर्क टूट गए, संपर्क टूट गए, तो हम बाहर वालों को कैसे मैसेज देंगे, बिजली कट गई, मोबाइल डाउन हो गया और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हम बरसात से पहले इस तरीके के 2 लीटर के बड़े बड़े ठंडा थम्स अप, पेप्सी के बोतलों को जमा करेंगे, उसको आपस में बांधेंगे, छेद नहीं करना, याद रखना है छेद नहीं करना है, बांधेंगे और कमर में ऐसे बांध सकते हैं, ये पेट में नहीं होगा और ये आगे होगा, पीछे नहीं होगा, ये आगे लगा हुआ होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डेक्ची है, तसला डेक्ची, कुछ नहीं करना है, डेक्ची को ऊपर से प्लास्टिक लगा देना है, यहाँ लगा देना है, 2 रॉड को इस तरीके से बांध देना है और ऐसे भी पकड़ के आप इसमें ऐसे कैसे तैरेंगे, इस पर इसमें कैसे कैसे तैरेंगे, इस तरह से रखेंगे और इससे आपका, अच्छा ये देखिए इन्होंने, इन्होंने बताया, असल है कि तरीका मालूम करना है कि आपको ये ऐसे रखना है, ऐसे रखेंगे तो छाल जाएगा, ये ऐसे आएगा और हम इसमें लेट जाएंगे और यूं हाथ से मारेंगे तो हम आगे निकलते रहेंगे। ये डब्बा है, तेल का डब्बा, डीजल का डब्बा, मोबाइल का डब्बा, सरसों तेल का डब्बा, ये होता है। आप इसको भी आप फट्टी लगा करके बांध सकते हैं, आप चारों तरफ से इसको इस तरीके से, आप निकलेंगे कैसे इस पर, इस पर बैठ के अच्छा इस पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल अच्छा अच्छा ये इस पर हम ऐसे बैठ जाएंगे, अच्छा अच्छा ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, बैलेंस करना, जहां बॉडी बैलेंस हो, अच्छा अच्छा।
और चाहे नीचे से भी इसको पकड़ के जा सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये क्या दिखा रहे थे आप? ये थर्मोकोल से बना हुआ है। थर्मोकोल अगर आपके घर में है तो आप किसी कपड़े में उसका कवर बनवा लीजिए, उसके बीच में दो बेल्ट बनवा लीजिए और शायद इसको आगे से ये भी इस तरह ऐसे अच्छा अच्छा ऐसे रख करके निकल सकते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे करके, या इसको पहन सकते हैं, इसको ऐसे पहन सकते हैं। अच्छा ये, और इसको हम ऐसे करके पानी से निकल सकते हैं। तो पूरा उत्तर बिहार सैराट के सदमे हुआ करता है, बता के मौसम आने वाला है। और आज बिहार दिवस के मौके पर सीतामढ़ी SDRF की जो टीम है उन्होंने इस तरीके की प्रदर्शनी लगाई है। वॉइस ऑफ बिहार न्यूज आप तक आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का हल लेकर हमेशा आता रहेगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। याद रखिए, जिंदगी अनमोल है। जिंदगी अनमोल अगर तब है जब आप आफत आने से पहले आफत से लड़ने की तैयारी कर लेंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को।